लाल शर्मा साहब के नेतृत्व में राजस्थान प्रदेश के उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री महोदय आदरणीय दया कुमार जी के नेतृत्व में 10 जुलाई 2024 को बजट राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया, उसकी चहुंमुखी और बड़ी भारी प्रशंसा हो रही है। प्रदेश का हर एक तबका बजट से संतुष्ट होकर प्रदेश की हमारी सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा है। आदरणीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं मेरे भीलवाड़ा जिला एवं शाहपुरा मेवाड़ क्षेत्र के में बजट के लिए जो सौगातें दी उसके लिए मैं हमारे मेवाड़ की और झाझपुर विधानसभा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। पूर्वोत्तर कांग्रेस सरकार ने आरंभ से ही भीलवाड़ा और शाहपुरा मेवाड़ क्षेत्र की उपेक्षा की गई, बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। बजट कांग्रेस सरकार ने पूर्वोत्तर सरकार ने हमारे मेवाड़ और भीलवाड़ा के साथ सौतेले व्यवहार किया। यशस्वी मुख्यमंत्री और आदरणीय दया कुमारी जी ने पिछली हमारी सरकार की कमियों की पूर्ति वर्तमान सरकार ने हमारी सरकार ने बजट में भीलवाड़ा जिले को और मेवाड़ को दिया। भीलवाड़ा जिले में 150 करोड़ रुपए ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए 193 किलोमीटर लंबाई की जयपुर से भीलवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे के लिए, मानसरोवर झील भीलवाड़ा के लिए 12 करोड़ रुपये, बहुत बड़ी उपलब्धि। भीलवाड़ा नगर परिषद को नगर निगम बनाए जाने की घोषणा जो वर्षों पुरानी पुरजोर मांग रही, जिला भीलवाड़ा को सौगात मिली। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में टेक्सटाइल पार्क के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा और माननीय आदरणीय दया कुमारी जी के द्वारा बजट में घोषणा की गई, इसके लिए मैं भीलवाड़ा और हमारे मेवाड़ की ओर से धन्यवाद आभार प्रकट करना चाहता हूँ। इससे टेक्सटाइल पार्क से प्रदेश की GDP बढ़ने में विशेष योगदान साबित होगा, रोजगार के नए आयाम स्थापित होंगे। मेरे विधानसभा क्षेत्र जाजपुर के लिए की गई बजट घोषणाओं से क्षेत्र में पहली बार बजट प्रसारण के साथ ही दीपावली की तरह पटाखे चले गए, मिठाई बांटी गई, क्षेत्र की जनता खुश है। यह सब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी और यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल जी शर्मा और हमारे वित्त मंत्री आदरणीय दया कुमारी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार होने के कारण यह संभव हुआ। मेरे क्षेत्र जाजपुर को बजट में वो सब दिया गया जिसकी मेरे क्षेत्र की जनता ने लंबे समय से पुरजोर मांग करती आ रही थी। जाजपुर में कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किया गया, जाजपुर में उप जिला अस्पताल को क्रमोन्नत किया गया, जाजपुर नगर पालिका क्षेत्र में फल और सब्जी मंडी किसानों के लिए दी गई, हाई लेवल ब्रिज नौचौक से चामुंडिया चौराहे तक पुलिया निर्माण, बांधुगा जीर्णोद्धार, अमरगढ़ में सब सेंटर PSC में क्रमोन्नत, जाजपुर में रिको इंडस्ट्रियल ऐसे ऐतिहासिक कार्य दिए गए, इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ। यह बजट शॉर्ट टर्म बजट नहीं है, इस बजट में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आगामी वर्ष 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने हेतु विकसित राजस्थान प्रदेश की परिकल्पना सोच विचार के खाके को अमली जामा पहनाने के लिए रूट लेवल पर बहुआयामी कार्यों की नींव डालने का कार्य इस बजट में किया गया। हमारी सरकार घोषणाओं में को धरातल में उतारने का विश्वास रखती है। पूर्वोत्तर कांग्रेस की सरकार ने जो घोषणाएं की वो थोथी घोषणाएं भी उन्होंने बजट में प्रावधान कर दिया, लेकिन एक ईंट तक नहीं लगी। 1.5 साल 2 साल से काम चालू नहीं हुए, लेकिन हमारी सरकार ये शिलान्यास भी करेगी और इसका लोकार्पण भी इसी समय होगा। इस विधानसभा के सदस्यगण इस भांति से भलीभांति परिचित हैं। बजट में ग्रामीण और शहरी विकास को बराबर महत्व दिया गया। बजट में पानी, बिजली, सड़क के बुनियादी विकास को ध्यान में रखकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए बिना भेदभाव के बजट घोषणाएं की गई। बजट में किसान, मजदूर, माता बहनों, गृहिणियों, प्रारंभिक शिक्षा लेकर उच्च शिक्षा तक के छात्र छात्रा वर्ग, बेरोजगार युवाओं वर्ग, युवा वर्ग, व्यापारी, व्यवसायी, आर्थिक रूप से पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC वर्ग, कर्मचारी, अधिकारी वर्ग, पेंशनर्स आदि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की, मेरे विधानसभा क्षेत्र की कुछ डिमांड्स है वो रखना चाहता हूँ। मेरे जाजपुर विधानसभा क्षेत्र में कोटली उपखंड मुख्यालय में राजकीय महाविद्यालय खोलने की मांग रखता हूँ और हमारे स्वाईपुर में नेशनल हाईवे 148D निकल रहा हुआ, आए दिन दुर्घटना होती रहती है, तो वहाँ PSC को CSE में क्रमांक करने की मैं मांग करता हूँ। कोटली 4 बजनाथ की नगर में आए दिन श्रद्धालु भक्तगण आते रहते हैं, वहाँ रोड बाईपास रोड रिंग रोड स्वीकृत करने की मैं मांग करता हूँ। जाजपुर में ADJ कोर्ट खोलने की मैं मांग करता हूँ। पारोड़ी उप तहसील में ग्राम खजूरी उप तहसील मुख्यालय पर खेल स्टेडियम बनाए जाने की मांग करता हूँ। गांटा रानी माता जी के मंदिर से ऊपर तक सड़क निर्माण, चौड़ाईकरण, रोपवे का निर्माण करवाने की मैं मांग करता हूँ।
हमारे लोहारी कला सैनिकों का गांव है, 15,000 की आबादी का गांव है, उप तहसील खोलने की मांग करता हूं। जातपुर कृषि गौण मंडी को स्वतंत्र मंडी मनाने की मैं मांग करता हूं। हमारे क्षेत्र में कोटड़ी कृषि मंडी जो भीलवाड़ा की गौण मंडी है उसको विकसित करने की मांग करता हूँ। दो जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाली प्रमुख सड़कें हैं जो MDR घोषित करने की मांग करता हूँ। सीमा बूंदी जिले से देवाखेड़ा से लोहारी कला मेड़िया शक्करगढ़ बाकरा खजूरी अमलदा पारोड़ी कोठास तक जिला मुख्यालय तक जोड़ने वाली सड़क को मैं MDR घोषित करने की मांग करता हूँ। सभापति महोदय आदरणीय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में महेश दंडी है, वह टेलेसर महादेव के पास में हजारों बीघा जमीन सिंचाई के लिए बांध बनाने की मैं मांग करता हूं, क्योंकि जो बहेज नदी का पानी है वो गुड्डा बांध में जाकर नदी में चला जाता है, चंबल नदी में, तो उस अतिरिक्त पानी को रोकने के लिए एक बांध निर्माण करने की मांग करता हूं। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।